नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल वीएलपी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अंडर 10,000 रुपीज कौन सा फोन बेस्ट है, मतलब 10,000 रुपए के अंदर हमें कौन सा फोन अच्छा मिलता है और कौन सा फोन आपके लिए खरीदना ठीक होगा, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। 6 ऐसे फोन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि 10,000 रुपए के अंदर अच्छा स्मार्टफोन है, अच्छा पैकेज के अंदर आता है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे Realme C3 से। इसका वेरिएंट है 3GB और 32GB वाला और इसका प्राइस है 7,999 रुपीस, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस सेगमेंट के अंदर ये फ़ोन आया है। और इसका डिस्प्ले जो है हमें देखने को मिल जाता है 6.52 इंच का एक HD+ डिस्प्ले, अच्छा है, प्राइस के हिसाब से अच्छा ही है डिस्प्ले। और उसके बाद हमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है MediaTek Helio G70 का, जो भी इस प्राइस सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छा एक चिपसेट इन लोगों ने प्रोवाइड कर चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखने कैमरा देखने को मिल जाता है 12+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, के बाद 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो हमें यहाँ पे उसके बाद सेल्फी कैमरा हमें देखने को मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का, जो कि यहाँ पे प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक सा है, लेकिन सेल्फी कैमरा थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता तो और अच्छा होता। लेकिन यहाँ पे फिंगरप्रिंट हमें देखने को नहीं मिलता है, फेस अनलॉक से ही यहाँ पे हमें काम चलाना पड़ेगा। आप लेते हैं तो यहाँ पे फेस अनलॉक से ही आपको यूज़ करना होगा ये फ़ोन। तो हमारे इस लिस्ट के सेकंड पे आता है Realme Narzo 10 है, जो कि कुछ दिन पहले ही लॉन्च हो चुका है, Realme लॉन्च कर चुका है। इसका भी वेरिएंट है 3GB और 32GB वाला और इसका डिस्प्ले भी हमें सेम देखने को मिल जाता है 6.52 इंच का HD+ एक IPS डिस्प्ले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस फोन का प्राइस है 8,499 रुपीस और यहाँ पे प्रोसेसर भी हमें सेम देखने को मिल जाता है MediaTek Helio G70 का, जो कि Realme C3 में भी सेम ही प्रोसेसर हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे कैमरा थोड़ा अलग है Realme C3 से, जो कि यहाँ पे हमें ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल + 2 मेगापिक्सल + 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके बाद हमें यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी सेल्फी कैमरा थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, थोड़ा डेवलप कर सकता था Realme यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ऐसे ही इसको यूज़ करना पड़ेगा, जो कि 5 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा दे चुका है Realme की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे हमें कलर थोड़ा अलग देखने को मिलता है Realme C3 से, कलर हमें यहाँ पे एक व्हाइट कलर देखने को मिल जाता है इस फोन में Realme Narzo 10A में और इसका प्राइस है 8,499 रुपीस। तो Realme C3 और Realme Narzo 10A ये दोनों फोन में ही हमें 5,000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। और उसके बाद हमारे इस लिस्ट में थर्ड नंबर पे आता है Motorola G8 Power Lite, जो कि 4GB और 64GB वाला वेरिएंट है और इसका भी बैटरी हमें देखने को मिल जाता है 5,000 mAh का। और यहाँ पे हमें डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 6.5 इंच का एक HD+ IPS डिस्प्ले। और उसके बाद हमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है MediaTek Helio P35 का, जो कि एक ठीक ठाक सा चिपसेट है। और यहाँ पे प्राइस हमें देखने को मिल जाता है 9,000 रुपीस, मतलब 8,999 रुपीस। और यहाँ पे हमें उसके बाद कैमरा देखने को मिल जाता है ट्रिपल रियर कैमरा, जो कि 16+2+2 MP का रियर कैमरा हमें इस फोन में देखने को मिलता है। और उसके बाद जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, जो सेल्फी कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे भी हमें फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। और उसके बाद हमारे इस लिस्ट में 4 नंबर पे नाम आता है सैमसंग का एक फ़ोन का, जो कि हाल ही में ही लॉन्च हो चुका है। उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M01, जो कि जिसका भी वेरिएंट है 3GB और 32GB वाला इसका ये वेरिएंट है और इसका प्राइस है 9,000 रुपीस, मतलब 8,999 रुपीस। तो उसका डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है 5.7 इंच का HD+ एक डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। और हमें प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 439, जो कि थोड़ा कम लगता है मुझे इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, बाकी सारे फ़ोन से कंपेयर करें तो यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन डे टू डे लाइफ में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा चिपसेट है, पुराना है, लेकिन आप काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं फ़ोन को। सैमसंग गैलेक्सी M01 में हमें कैमरा देखने को मिल जाता है रियर की साइड में डबल कैमरा, मतलब डुअल कैमरा, जो कि है यहाँ पे 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस और उसके बाद 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो हमें यहाँ पे दो ही कैमरा पीछे की साइड में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमें फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस फ़ोन का जो बैटरी है वो है 4,000 mAh का और उसके बाद इसका प्राइस है 9,000 रुपीस। तो कुछ इस प्रकार का ही है, फिंगरप्रिंट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हम 5 नंबर पे बात करेंगे इन्फिनिक्स के एक फ़ोन के बारे में, जो कि है इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो, जो कि 4GB और 64GB वाला वेरिएंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो में हमें डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 6.6 इंच का HD+ का IPS डिस्प्ले और यहाँ पे हमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है MediaTek Helio P22 का, जो कि यहाँ पे भी थोड़ा डाउन हो गया प्रोसेसर,
लेकिन आप यहाँ पे गेमिंग नहीं करते, डे टू डे लाइफ में नॉर्मल यूज करते हैं, तो ये ठीक ठाक से काम चला लेगा। और यहाँ पे कैमरा में हमें पीछे की साइड में क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस एक लो लाइट सेंसर हमें पीछे की साइड में देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफी अच्छा बात है। 4 कैमरा यहाँ पे इन लोगों ने प्रोवाइड कर चुका है। और उसके बाद इसका फ्रंट कैमरा जो है वो है 8 मेगापिक्सल का, तो यहाँ पे अच्छा बात है ये कि 8 मेगापिक्सल का कैमरा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, 10,000 रुपये के अंदर, और ठीक ठाक सा है। लेकिन प्रोसेसर के बारे में थोड़ा डाउन होता है ये फ़ोन, लेकिन बाकी सारे चीज़ें कैमरा या फिर डिस्प्ले सब कुछ ठीक ठाक सा है। और बैटरी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, बड़ा है बैटरी, 5000mAh का हमें बैटरी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इसका प्राइस है 9,500 हम बोल सकते हैं। और एक फ़ोन हमारे लिस्ट में लास्ट में आता है, जो कि फाइनल फ़ोन और बेस्ट फ़ोन है 10,000 रुपये के अंदर मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे हमें लास्ट फ़ोन देखने को मिल जाता है Realme 5i, और इसका डिस्प्ले है 6.52 इंच का, एक HD प्लस IPS डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छा एक फ़ोन है और डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। मैं भी इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ कुछ दिनों से, जिसका यूज़ जो कि इसका जो कम्फर्ट है यूज़ करके काफ़ी अच्छा है, और कैमरा भी काफ़ी यहाँ पे अच्छा हमें देखने को मिल जाता है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। एक काफ़ी अच्छा एक मक्खन जैसा फ़ोन है ये Realme 5i, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ दिन पहले से। ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये भी Realme 5i का फ़ोन के फ्रंट कैमरा से ही ये वीडियो शूट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसका क्वालिटी कैसा है इस फ़ोन का। और उसके बाद हमें प्रोसेसर इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 665 का, जो कि एक काफ़ी अच्छा चिपसेट है। आप गेमिंग करना चाहते हैं इस फ़ोन में, गेम खेलना चाहते हैं तो भी आप खेल सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक चिपसेट यहाँ पे प्रोवाइड कर चुका है रियलमी, जो कि गेम खेलने में भी काफ़ी मज़ा आएगा और नॉर्मल यूजेस में तो कोई भी लैग यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है इस फ़ोन में। और उसके बाद हम कैमरे के बारे में बात करें तो यहाँ पे कैमरा काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा कम है कैमरा में, लेकिन कैमरा का काम सच में ही अच्छा है। यहाँ पे रियर की साइड में हमें क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है, मतलब मैंने क्वांटिटी कम के बारे में बोला इसलिए कि यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का कैमरा हमें देखने को नहीं मिलता है, 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा हम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन भी इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। आप लोग यूज़ करेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर हम लोगों को देखने को मिल जाता है, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल देखने को मिल जाता है, और उसके बाद 2 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 4 कैमरा पीछे की साइड में हमें देखने को मिलता है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो इस कैमरे से ही शूट हो रहा है फ्रंट कैमरा से, तो आप लोग क्वालिटी खुद ही देख सकते हैं कैसा है इसका क्वालिटी। उसके बाद बैटरी है इस फोन में 5000mAh का, और इसका बैटरी का क्वालिटी मतलब इसका कितना टाइम चार्ज रहता है, बहुत टाइम इसका चार्ज रहता है। आप नॉर्मल यूसेज करते हैं तो बहुत टाइम यहाँ पे रहता है, और गेमिंग भी करते हैं तो भी यहाँ पे बैटरी का जो बैकअप है वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अभी हमारे इस फ़ोन का प्राइस हो चुका है 9,999 रुपीज़, मतलब 10,000 रुपये हो चुका है इस फ़ोन का प्राइस, और ये एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इस फ़ोन को चुन सकते हैं, आपका 10,000 रुपये ही आपका प्राइस है, तो आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं। तो यही था हमारा आज का ये 6 फ़ोनों के बारे में कुछ बातचीत, जो कि 10,000 रुपये के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताया। GST लगने के पहले 10,000 रुपये के अंदर भी और अच्छा अच्छा फ़ोन हमें देखने को मिलता था, लेकिन अभी नहीं मिलता है, वो थोड़ा प्राइस ज़्यादा हो चुका है उन फ़ोन का। मतलब अभी 10,000 रुपये के अंदर कुछ इस प्रकार का ही फ़ोन हमें देखने को मिलता है, तो आप खरीदना चाहते हैं तो मैंने जो ये फ़ोन के बारे में इस वीडियो में बताया तो आप खरीद सकते हैं, ये भी फ़ोन काफ़ी अच्छा है। तो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, और हमें 1K तक ले जाइए इस चैनल को, टेक्निकल वेलबी चैनल को, और भी अच्छा अच्छा वीडियो लेकर मैं आऊँगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, वंदे मातरम, भारत माता की जय।